C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये शहर की लड़कियाँ ऐसी होती है, कपड़े तो देखो। कल्याणी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इस औरत के कमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो माफी के लायक ही नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो आप लोगों का और भी बहुत नुकसान कराते। कल्याणी, गलती हुई है ना तो अब सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हारे पास कल तक का समय है, अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो वो घर में कदम नहीं रखेगी। क्या होगा अंजाम जब आओ साहिब के गुस्से का सामना करेगी बदले की आग में जलती कल। इस मंगलवार देखिए। आज रात के लिए उस घर में मत जाओ। ये काम छोड़कर अगर आओ साहिब ने तुम्हें देख लिया ना घर के अंदर तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगी। कि मैं तुम्हारा मोबाइल ले ही लिया। तुम क्या होगा जब आओ साहिब अनुप्रिया को कल्याण की मदद करते हुए देख। बेटा दरवाजा खोलो। अरे कुछ तो जवाब दो। तुम दरवाजा तोड़ दो। क्या होगा जब आओ साहिब देखेंगी कल्याणी और अथर्व को बंद एक। लेकिन उस लड़की का बाप है कौन? वो जिंदा तो है ना? वो ठीक है, वो है कहाँ? ये आदमी अतुल देशमुख इसी जेल में है ना? ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। कल्याणी क्या कह रही? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भागो भाई, ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेड़नेकर के पास कैसे पहुंच गए? जवाब दो अनुप्रिया। अरे हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आओ साहिब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है, अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस बारे में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अरे देवा, आओ साहिब ने माधुरी की तस्वीर देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं रास्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं सिर्फ सजा की पात्र हो और आज हम तुम्हें। सर, कल्याणी के साथ मेरा है कोई रास्ता। गंगा जल को भोग पर छिड़के, भोग भोग मतलब खाना, पर खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी नफरत अपनी जगह, लेकिन अपनी इस नफरत को अपनी आई की आत्मा की अशांति का कारण मत बनने दे। लो। क्या कहा था उस लड़की कल्याणी ने कि इस तेरवी का दिया हमारे घर की चौखट का मोहताज नहीं है? वही नहीं, लाउड स्पीकर फिट कर दिया है। एक मिनट रुको।
मेने आपिंडः तेन मूर्धा प्रजायते। ओम पितृदेवताय नमः। अथर्व ये सब बंद कर दो। ओम पितृदेवताय नमः। 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 मल्हार ये सब क्या हो रहा है? पापा के होते हुए तुम तेरवी की क्रिया में शामिल कैसे हो सकते हो? और क्या जरूरत है तुम्हें इस लड़की के लिए मंत्र उच्चारण करने की? ये तो आप ही के संस्कार है ना साहब। भले ही कमाया हुआ पैसा चला जाए लेकिन कमाए हुए आशीर्वाद हमेशा साथ रहते हैं। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहाँ ले जाना चाहते हो। कि अपनी बहन रेवती की जिंदगी बचाने की खातिर गुड्डन ने मानी अक्षत जिंदल की उससे शादी करने की शर्त। क्या गुड्डन अपना किया हुआ वादा बखूबी निभा पाएगी या यहाँ भी होगी उससे हमेशा की तरह कोई गलती? अब क्या नया तूफान लाएगा ये फैसला इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। ये लाल किताब कह रही है ये जो परीक्षा तेरी बेटी भुगत रही है वो उसके कर्म नहीं उसके पति के कर्म है। कल देखना ना भूलें कि क्या वाकई मीरा की इस हालत का जिम्मेदार विवान कपूर है या कोई और। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? अगर पुचकी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। उलझनों में फंसा शांतनु क्या अपनी दोस्त पुचकी के लिए कौन सा नया कदम उठाएगा या फिर उलझ जाएगा निवेदिता के षड्यंत्र में? तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो कौन? अब मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की स्टे करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। तुम जानना क्या चाहते कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैं करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है? वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो। तुम मुझे पसंद करती हो राइट? कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है। उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। कबीर का कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार है। वेदिका ने किया है भूमि को एक वादा। वेद मेरा है पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे। लेकिन निशा चलेगी अब कौन सी चाल? देख रहे हो उसकी करतूतें? तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। पर इसी बीच वेदिका के हाथ लग जाता है ऐसा सबूत जो बेनकाब कर देगा एक गहरे षड्यंत्र को और मोड़ देगा रुख इस पूरे कानूनी मामले का।